श्रीमान जी, आज के सेशन में हम प्रतिशत की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। कंपनी सारी बिक्री, ये इम्पोर्टेंट है, सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे तो कंपनी को 10,000 पर 1% का फायदा होगा। देखो क्या है कि एक कंपनी है वो क्या करती है कि 10,000 है, 10,000 पर क्या करती है 5% का कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर पर 4% का कमीशन देती है। हम क्या करेंगे अपनी ओर से इस जो पहले 10,000 है इस पर 1% और ले लेंगे, ठीक है, इस पर 1% और ले लेंगे। तो 1% जब एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कि आप 10,000 का 1% निकालो, 10,000 का 1% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100, ठीक है। हमारे पास क्या है, ठीक है, तो कितनी वो कंपनी को कमाने के बाद कितना दे रहा है 31,100 रुपये जमा कर रहा है कंपनी में, लेकिन मैंने इस 1% की वजह से क्या किया 100 रुपये मेरे और ऐड कर दिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ 2, 1, 3, ठीक है। अब क्या कहता है कि कुल बिक्री पर कितना 4% का कमीशन है, तो 4% के हिसाब से देखो 4% को कितना लिख सकता हूँ मैं 1/25, तो एक क्या मेरा ये है मेरा कमीशन, एक तो निकल के आया है कमीशन और 25 मेरी क्या है कुल बिक्री, क्या है लाडले कुल बिक्री है, क्या है कुल बिक्री। अगर मैं 25 रुपये की कुल बिक्री है, एक का कमीशन होता है तो कंपनी को कितने दूंगा मैं 24 रुपये दूंगा, कितना दूंगा 24 रुपये, और 24 यूनिट बराबर कितने के है 31,200 के बराबर। अगर एक यूनिट का मान निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 1300 निकल के आएगा, कितना 1300। मुझे कितना निकालना है कुल बिक्री, पेपर क्वेश्चन में क्या हमसे क्या पूछ क्या रहा है कि कंपनी की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री है मेरे पास कितनी 25 यूनिट, तो 25 बराबर कितने के हो जाएगा 1300 गुना में 25, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना निकल के आएगा 005, 32,500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि तीन व्यक्ति हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, कितने में 56 लाख में, बी सी डी का हिस्सा 400 कितने का ए का, कितना है ए का 460 है, और ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का कितना है 366 सही 2/3% है, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस सी डी का हिस्से का 40% है तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात लिख लो कि क्या है कि हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना दे रखा है लाडले 56 लाख, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या कहता है कि कितना है 460% है, 460% इसका परसेंट का अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 460 का कितना आएगा आपका 23/5 कितना आएगा 23/5 आएगा, यानी 23 और 5 टोटल कितना हो गया, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी मैं कह सकता हूँ कि बी प्लस सी प्लस डी और ये कितना है ए, बी प्लस सी प्लस डी कितना है 23 और ए कितना है मेरे पास 5 और इनका टोटल जोड़ कितना आएगा 28 और रियली जोड़ है कितने के बराबर 56 लाख के बराबर। तो एक यूनिट के बराबर एक यूनिट का मान 28 है कम 28 28 दूनी 56, एक यूनिट का मान कितना 2 लाख, उसके बाद कितना निकालोगे आप 2 लाख हो गया, दो लाख और 2 की गुना करेंगे तो कितना होगा ए का मान आ जाएगा 5 × 2 = 10 लाख। इसी प्रकार देखो हमें क्या कहता है कि उसने कहा है दूसरे सेशन में क्या कि 366 सही 2/3% है, 366 सही 2/3 का मतलब क्या निकल के आया आपका भाई 300 का 3 हो गया और 66 सही 2/3 का कितना निकल के आया है हमारा 2/3 निकल के आया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल करोगे तो इसका
कितना 11 बटे में 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ करो तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, इनका जोड़ हो जाएगा 14। यानी मैं कह सकता हूँ कि 14 यूनिट है ये, यानी क्या हो गया कि a प्लस सी प्लस डी, और ये कितना बच गया b, तो a प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 3, और इनका टोटल जोड़ 14 है और रियली जोड़ है कितना 56 लाख। तो 14 से इसे काटेंगे तो 14 चौका 56, तो b का मान कितना अगर 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 3 12 निकल के आया, आंसर नहीं है। आंसर में उसने हमसे क्या पूछा है, डी का मान पूछा है, क्या पूछ रहा है डी का। आगे देखो लास्ट बच गया, उसने क्या लास्ट में क्या कहता है कि 40% है, कितना है लाडले 40%, अगर 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी मैं कह सकता हूँ इनका जोड़ कर लो, कितना जोड़ आएगा 5 और 2 7 निकल के आएगा 7, यानी 7 यूनिट इनका जोड़ करो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या बच गया a प्लस बी प्लस डी है, ये क्या है d, और क्या बच गया c, तो a प्लस बी प्लस डी कितना है हमारे पास 5 है और इसका मान कितना है 2 है। ठीक है, अब इनका वैसे ये इनका टोटल कितना है 7 यूनिट, और वैसे है कितना 56, 7 से काटोगे तो 7 2 8 56, 1 यूनिट का मान 8, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 16 लाख रुपए हो जाएगा 16 लाख। तो ए का मान कितना है 10 लाख, बी का मान कितना है हमारे पास 12 लाख, और सी का मान कितना है 16 लाख, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना है देख लो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना है मेरा टोटल 56 लाख। ए का मान कितना है 10 लाख, बी का मान कितना है 12 लाख, और सी का मान कितना है 16 लाख है, और टोटल कितना है 56, तो डी का मान कितना निकल के आएगा मेरे पास 18 लाख। आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है, 10 12 और 16 को जोड़ देना है और 56 से घटा देना है, तो कितना आएगा आपका 18 लाख आंसर आएगा। देखो श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, क्वेश्चन नंबर कितना है 57, क्या कहता है कि चीनी की खपत में 20% कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, यानी पहले चीनी कितने रुपए किलो थी, 100 रुपये किलो थी, अब उसकी 20% कमी आ जाएगी तो कितने रुपए किलो हो गई, 80 रुपये किलो हो गई। तो वो क्या कहता है 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो अधिक कहाँ से बनेगा, 80 से 100 की तरफ, तो कितना आएगा 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। अब 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है कितने से, 80 से, ठीक है, इसे कैलकुलेट करो तो 20 एकम 20 20 चौक 80, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, तो एक क्या मेरी वास्तविक, क्या है वास्तविक खपत, ठीक है, और 4 क्या मेरी बढ़ोतरी, क्या है लाडले बढ़ोतरी है, ठीक है। अब देखो अब हमें बढ़ोतरी दे कितनी रखी है, एक यूनिट का मान कितनी दे रखी है 20 kg, कितनी दे रखी है 20 kg, यानी एक यूनिट का मान कितना निकल का है 20 kg। अब क्वेश्चन करना शुरू करो, नंबर एक क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे कि प्रारंभिक खपत, ठीक है, तो भाई प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक खपत, तो प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी, पहले खपत कितने यूनिट थी 4 और एक यूनिट का मान कितना है 20, तो कितनी हो जाएगी 20 चौक 80 kg। उसके बाद नंबर दो में क्या है ताज़ा खपत, अब ताज़ा खपत क्या हो जाएगी, ताज़ा खपत का मतलब देखो कैसे, पहले खपत कितनी थी 4, बढ़ोतरी कितनी हुई है 1 की, तो अब खपत कितनी है 5 की, गुना में 20, एक यूनिट का मान 20 है 20 kg, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 kg। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है कि प्रारंभिक मूल्य, क्या है प्रारंभिक मूल्य, देखो प्रारंभिक मूल्य यानी कुल कितने का खरीद रहा है वो 400 रुपये का, और कितनी किलो चीनी खरीदनी है उसे प्रारंभ में 80, तो कितने रुपये किलो आवेगी, देखो भाई
आठ पंजे 40 रुपये पर केजी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कहता है, ताजा मूल्य। क्या है ताजा मूल्य? तो ताजा मूल्य क्या आ जाएगा, कितने रुपये, कितने की चीनी खरीदनी है, 400 रुपये की। और अब ताजा में खरीद कितना रहा है, 100 किलो चीनी, तो कितना निकल के आएगा, 4 किलोग्राम पर केजी। यही हमारे क्या हैं, चारों आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत का आपका 58वां क्वेश्चन है। क्या कहता है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आती है, यानी चीनी की कीमत घट गई है, तो अब परिवार क्या करेगा, अधिक चीनी खरीदेगा, की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीदता है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, ऑप्शन दे रखे हैं, 3 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी, 4 रुपये पर केजी, 6 रुपये पर केजी, 5 और 3। देखो क्या कह रहा है, प्रारंभिक मूल्य, मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि माना माना प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं हम, प्रारंभिक क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य एक्स है, और ताजा मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि चीनी की कीमत कितनी है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुई है, तो आरंभिक कितना, ताजा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस दो क्या है, रुपये पर केजी, क्या है, रुपये पर केजी। सवाल में क्या कहता है कि एक आदमी, देखो जो एक्स माइनस दो है ना, एक्स माइनस दो हमारे पास क्या है, छोटी संख्या है, और जो एक्स है वो क्या है, हमारे पास बड़ी संख्या है। अब देखो कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, यानी 16 रुपये किलो, 16 रुपये की चीनी खरीदनी है, कितने, एक्स माइनस दो के हिसाब से, माइनस में 16 ग्राम, 16 रुपये की चीनी खरीदने एक्स के हिसाब से। अब ये क्या है, किलोग्राम चीनी, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास किलोग्राम चीनी, और ये भी क्या है मेरे पास, किलोग्राम चीनी। अब देखो एक्स माइनस दो से भाग करेंगे तो यानी वैल्यू कम है तो ज़्यादा बचेगा, एक्स से भाग करेंगे तो एक्स ज़्यादा है तो वैल्यू कम बचेगी। ठीक है, तो ये कितने कितने किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। अब आपको वन बाय वन ऑप्शन पुट करके देखने, अब पहले आप 3 को पुट करो, लेकिन आपको राइट साइड क्या लेके आना है, जब 3 को पुट करेंगे तो आपको राइट साइड क्या लेके आना है, 4 लेके आना है, 4 लेके आना है। अब जब हम 3 पुट करेंगे यहाँ एक्स की जगह 3, 3 पुट करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना, 1 तो यहाँ तो बच गया 16, लेकिन यहाँ 3 लिखेंगे तो ये 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन वैलिड नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन पे आओ, बी ऑप्शन 5, अगर मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो यहाँ कितना बचेगा, 3, 3 से 16 पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो ये भी कैंसिल, क्योंकि आपको आंसर कितना लेना, 4। अब उसके बाद एक्स का मान कितना पुट करूंगा, मैं 4 पुट करूंगा, कितना पुट करूंगा लाडले, 4 पुट करूंगा एक्स की जगह, एक्स की जगह मैं जब 4 पुट करूंगा तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और वो 2 से 16 को भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा, 8। अब ऐसे ही यहाँ एक्स की जगह कितना पुट करूंगा मैं, 4, 4 पुट करने पर कितना बचेगा, 4 चौक 16, तो 8 में से कितना, 4 घटा दो तो कितना, 4 बराबर 4 के, तो ऑप्शन एक्स का मान कितना आएगा, 4। आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका सही ऑप्शन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 59 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि अंडे की कीमत कितनी, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी कितने, 66 रुपये में एक दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है, 5 रुपये प्रति दर्जन, 6 रुपये प्रति दर्जन, 7 रुपये प्रति दर्जन और 8 रुपये प्रति दर्जन। देखो वही करना है आपको, क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना वास्तविक मूल्य, माना वास्तविक मूल्य, ठीक है, तो वास्तविक मूल्य कितना, एक्स मान लेते हैं, तो ताज़ा मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा ताज़ा मूल्य हो जाएगा कि 50 पैसे प्रति दर्जन की क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब ये तो देखो पैसे हैं 50, ये क्या है मेरे पास, 50 पैसे हैं, और ये 66 क्या है मेरे पास, रुपए। आपको क्या करना है, जो 50 पैसे हैं इनको किस में, रुपयों में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है, 50 पैसे हैं,
ठीक है भाई, 50 पैसे, अब 50 पैसे को रुपए बनाएंगे तो भाग में कितना करेंगे 100, तो कितना निकल के आएगा 1/2, 1/2 को कितना 0.5 लिख सकते हैं, यानी 50 पैसे का मान कितना हो गया 0.5। तो देखो ताज़ा मूल्य कितना निकल के आया, ताज़ा मूल्य निकल के आया एक्स माइनस में 0.5 निकल के आया। अब क्या करता है, एक दर्जन अधिक खरीदता है अंडे, ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, 66/ एक्स माइनस 0.5 माइनस में 66/ एक्स बराबर कितना, एक दर्जन अधिक खरीदता है। अब भाई ऑप्शन देखो, अगर आप पेपर में बैठे होंगे सबसे पहले किस ऑप्शन में पुट करेंगे, हम सबसे पहले इस ऑप्शन में पुट करेंगे जो क्या करेगा, जो 66 को पूरी पूरी तरह भाग करेगा। तो 66 को पूरी पूरी तरह कौन सा भाग कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन आपका भाग कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसको पूरी तरह भाग कर रहा है। देखो कैसे, देखो 66 क्या है, 66/ हम क्या करना है, इस इधर पुट करना है 6 माइनस 0.5 और माइनस में 66/ 6 बराबर कितना 1 के, 6 से काटो, 6 से कितनी बार 11 बार, और ये कितना बता, 6 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5.5 बचेगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना, दशमलव 11 से 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो इधर कितना बच गया 12 माइनस 11 बराबर 1 के, 1 बराबर 1 के, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो कितना 6 रुपये प्रति दर्जन। देखो श्रीमान जी, प्रतिशत का 60वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कि एक आदमी अपनी आय का कितना 60% खर्च कर देता है, अगर उसकी आय में 15% बढ़ जाए और खर्च उसका 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई क्या होता है, खर्च, खर्च प्लस में क्या होती है बचत, बराबर क्या होता है आय होती है, हमारे पास क्या होती है आय। अब हम जानते हैं कि एक आदमी की आय कितनी है 60%, 60% फ्रैक्शन में बदलेंगे बटे में 100, 20 30 60, 20 5 100, यदि उसकी आय क्या है 5 रुपये है और वो क्या करता है खर्च, ये क्या दे रखा है आपको, खर्च दे रखा है, खर्च अगर उसके पास 3 है तो बचत कितनी करेगा, उसके पास 2 रुपये की बचत करेगा। हम अपनी मर्जी से परसेंटेज सॉल्व करने के दोनों तरफ 0-0 कर देते हैं। क्या कहता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, आय में कितना परसेंट बढ़ना है 15% बढ़ जाए, ठीक है, उसके बाद क्या कहता, और खर्च में 15% बढ़ जाए, खर्च में भी 15% बढ़ जाए, ये बढ़ गया 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने, देखो अगर ये 15% बढ़ेगा तो अगर 300 का तुम कितना निकालोगे, 15% निकालो, कितना 300 का 15% निकालो, 300 का 15% कितना हो जाएगा आपका 45, यानी पहले अगर 300 रुपये खर्च करेगा तो अब कितना 345 खर्च करेगा। आगे देखो, आगे क्या कहता है कि 500 का 15% निकालो, 500 का 15% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 15×5 75 निकल के आएगा, यानी पहले 500 रुपये खर्च करता है तो अब कितना करेगा 575। अब देखो आगे सवाल में क्या है मेरे पास, ये है कि अगर आपकी तनख्वाह कितनी है 575 रुपये है और आप खर्च कितना कर देते हो 345 रुपये खर्च कर देते हो, तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा आपका 230 रुपये, कितना बचा है आपके पास 230 रुपये बचा है। इसका मतलब ये क्या है कि आप पहले 200 रुपये की बचत करते थे, अब कितने की करते हो 230 की, तो कितने प्रतिशत बचत आपकी बढ़ गई है, कितने प्रतिशत बचत बढ़ी है, सॉरी कितने रुपये बढ़ी है 30 रुपये, आपकी 30 रुपये बढ़ी है कितने पर 200 पर, गुना में 100, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15%। तो उसने यही पूछा है हमसे कि बढ़ेगी क्या, कि उसने क्या पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत में 15% की वृद्धि होगी, यही क्वेश्चन आपसे कहता है। देखिए श्रीमान, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61% का 61 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी अपनी आय का कितना 75% खर्च करता है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो खर्च होता है क्या होता है, खर्च क्या होता है, खर्च और प्लस में बचत,
खर्च प्लस में बचत बराबर किसके होता है, आय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है। क्या कहता है कि 75% खर्च करता है। अगर खर्च कितना करता है वो खर्च करता है 75%। अगर कोई चीज़ 75% खर्च करता है तो परसेंटेज हटाएंगे तो भाग में कितना करेंगे, 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। अगर उसकी क्या है, इनकम, अगर इसकी इनकम कितनी है, 4 रुपये है। अगर आय कितनी है, 4 रुपये है, वो खर्च कितना करता है, 3 रुपये वो खर्च करता है, तो कितना रुपये बचेगा उसको, 1 रुपये बचेंगे। हम इसको आसान बनाने के लिए 100 ले देते हैं, दोनों तरफ 0 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आय में 20% की बढ़ जाए, आय कितनी बढ़ रही है हमारे पास, 20% बढ़ जाए, अच्छी बात है, 20% बढ़ जाती है, और खर्च 10% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है खर्च, ठीक है। अब देखो 20% आय बढ़ गई, यानी 400 का 20% निकाल लो आप, 400 का 20% निकालोगे तो कितना बचेगा आपका, 80 रुपये बचेंगे। यानी पहले आय इनकम कितनी थी, 400, अब कितनी बढ़ गई, 80, तो कितना हो गया, 480। क्या कहता है, खर्च में यानी कितना, 10% बढ़ जा, 10% का मतलब है कि पहले कितनी थी खर्च, 300, अब कितना बढ़ गया, 10%, ठीक है, कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो कितना बचेगा, 30 रुपये, कितना बच गया, 30। तो पहले खर्च कितना था, 30, और अब कितना बढ़ गया, 300, अब कितना बढ़ गया, 30, तो कितना बन गया, 330 रुपये। यानी पहले पहले इनकम कित पहले अब आय इनकम कितनी है, 480, खर्च कितना करते हो आप, 330 रुपये, ठीक है, तो कितना बच गया आपके पास, 150 रुपये, कितना बच गया, 150, यानी बचत कितनी करते हो आप, 150 रुपये की, ठीक है, 150 रुपये की। तो कितने परसेंट कितनी बचत बढ़ी है आपकी, 50, आपकी 50 बढ़ बची है, बढ़ी है बचत कितने पर, 100 पर, गुना में 100 जी, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका, 50% आंसर। यानी आपके बचत में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ है, आपके बचत में 50% का इंक्रीजमेंट हुआ है। देखो श्रीमान जी, परसेंटेज कितना, 62 नंबर क्वेश्चन देखो, 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत में कितना बदलाव होगा, ठीक है। अगर एक आदमी अपनी 8,550 की अपनी आय कितनी है उसकी, 8,550 उसकी इनकम है, ठीक है, और खर्च कितना कर और अपनी आय का खर्च कर कितना करता है, 5,700 रुपये खर्च करता है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, उसके बाद देखो 19 से काटो, 19 से 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 0, 19 से 19 चौक 76, 76 है गया 4, 19 पंजे 95, उसके बाद 15 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45। यानी अगर इसकी इनकम कितनी है, 3 रुपये, तो वो खर्च कितना, एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता है उसका, 2 रुपये। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि उसका जो खर्च है, ये लिख दो खर्च, ठीक है, प्लस में क्या है आपका, बचत बराबर किसके है, आय के है, किसके, आय के। अगर उसकी आय 3 रुपये है और वो खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है 2 रुपये खर्च करता है, तो कितने रुपये बचाता, 1 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि उसकी आय देखो, आय में कितना हो रहा है, आय में 19%, आय में कितना परिवर्तन हुआ है, 19% का। उसके बाद खर्च में कितना हुआ है बाबू, 13% का हुआ है, तो इनका परसेंटेज निकालेंगे तो 300 का 19% कितना होगा, 57 होगा। यानी पहले तनख्वाह कितनी थी, पहले आय कितनी थी, 300 रुपये, अब कितनी हो जाएगी, 357 हो जाएगी, ठीक है। अगर 200 का 13% निकालेंगे तो कितना, 200 का 13% कितना निकल के आएगा, 26, तो अब कितना हो जाएगी, 226 हो जाएगी। हम कह सकते हैं पहले आय कितनी होती थी, 357 होती थी, ठीक है, खर्च अब खर्च कितना होता है, 226, तो कितना बचेगा आपका, देखो 1, ठीक है, और 5 5 में से 2 जाएंगे, 3 1, कितना बचेगा, 131, कितना, 131,
131 बचेगा, यानी पहले बचत कितनी होती थी 100 रुपए की, अब बचत कितनी होती है 131 की, तो कितनी बचत बढ़ी है 31 की बचत बढ़ी है। ये 31 की बचत बढ़ी है कितने पैसे 100 से, कितने 100 गुना में 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 31% की बढ़ोतरी हुई है किस में, बचत में, किस में हुई है आपकी बचत में 31% की बढ़ोतरी हुई है। देखो श्रीमान 63 नंबर क्वेश्चन, देखो 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आपका, कि क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय का कितना 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, तो फिर 120 रुपये दान देता है, इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, उसकी आय ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है हमें, उसकी आय निकालनी है। देखो जी क्या है कि हम मान लेते हैं कि उसकी माना कुल आय, क्या मान लेते हैं, माना कुल आय, माना कुल आय कितनी है एक्स रुपये है, एक्स रुपये उसकी कुल आय, यहाँ से स्टार्ट करो, माना कुल आय कितनी हमारी एक्स रुपये है, एक्स रुपये है, तो वो क्या कहता है कि 5% परिवहन पर खर्च कर देता है। अब 5% है, 5% का मतलब कितना है उसका 1/20, अगर उसकी कुल इनकम क्या है 20 रुपये है, अगर वो 1 रुपये खर्च करेगा तो कितनी बचेगी 19। अब ये बची हुई इनकम है, अब बची हुई इनकम का क्या है उसका 20%, लाड ले 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी उसकी कुल इनकम यदि 5 रुपये है तो वो भोजन पर 1 रुपये खर्च करता है, तो बची कितनी 4 रुपये। उसके बाद क्या है 120 रुपये क्या दे देता है, दान दे देता है, दान देने के बाद उसके पास कितने 1400 रुपये कितने क्या होता है बच जाते हैं, 1400 रुपये बच जाते हैं, कैलकुलेट करो आगे, ठीक है आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से कैंसिल करो, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 पंजे 20, तो ऊपर कितना बचेगा 19x/ में कितना हो जाएगा 25 - 120 बराबर कितना है 1400, ठीक है आगे देखो 19x/ में 25 बराबर कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना 1400 कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा, 19 से कैंसिल करेंगे तो 19 × 8 = 152, और x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना में कितना हो जाएगा 80, तो x का मान निकल के कितना आएगा 25 × 8 = 200, यानी 2000 आंसर, यानी उसकी इनकम कितनी थी 2000। इसे नोट कर लो और इसके बाद इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है साहब। अब शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट तरीका क्या है इसे निकाल दो पहले, शॉर्ट तरीका देखो इसका, शॉर्ट तरीका इसी क्वेश्चन का देखो कि क्या है शॉर्ट तरीका, क्या क्या कहता है। देखो हम मान लेते हैं ये क्या है, एक कॉलम में मान लेते हैं ये है उसकी इनकम और ये क्या है बचत, ठीक है ना, जो मतलब जो उसके पास रुपए बचे हुए हैं, ठीक है बचे हुए हैं इसके बारे में, सॉरी जो उसने उसके क्या किए हैं खर्च किए हैं, ठीक है ना, क्या है आपके जो बचे हैं, एक मिनट रुको, देखो क्या कहता है कि 5% क्या करता है वो 5% आपका 5% क्या करता है कि परिवहन पर खर्च कर देता है, यानी 1/20, यानी अगर उसके पास 20 रुपये हैं एक खर्च कर देता है कितने बचते हैं 19 रुपये। उसके बाद क्या कहता है कि क्या कहता है आपका कि 20% क्या है उसके पास 20% खाने पर खर्च कर देता है, यानी 1/5, यानी उसके पास 5 रुपये हैं एक खर्च कर देता कितने बचेंगे 4। अब देखो ये कितना हो गया 19 चौक कितना हो गया 76 और ये कितना हो गया 20 × 5 = 100, यानी वो 120 रुपये तो दान पर देता है और कितने पास और उसके पास कितने बच जाते हैं 1400 रुपये बच जाते हैं, तो कितने रुपये बच गए 2 152, ठीक है तो 1520 रुपये 1520 से 19 से काटो 19 × 76 19 × 8 = 152, यानी एक यूनिट का मान कितना निकल के आया 20 निकल के आया, और 100 यूनिट का मान अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाडले कितना हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। देखो श्रीमान 64 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी 16 / 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 / 2/3% घटती है, तीसरे वर्ष कितना 57 / 1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट में कितनी है जनसंख्या ज्ञात कीजिए,
अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। देखो मैं क्या करता हूं कि माना वर्तमान जनसंख्या, माना वर्तमान जनसंख्या, माना वर्तमान जनसंख्या में एक्स मान लेता हूं। पहले वर्ष जनसंख्या क्या रही है कि 16.2% क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्लस का निशान लगा दो। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा दूसरे वर्ष क्या है कि 57.1% क्या बढ़ रही है, ये भी बढ़ेगी। अब तीसरे तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, ठीक है, तीसरे वर्ष सॉरी दूसरे वर्ष है, ये गलती हो गई भाई, दूसरे वर्ष क्या है, दूसरे वर्ष है आपका 37.1% आप क्या है, क्या घटती है, माइनस लगा दो यहाँ पे, ये परसेंट है आपका। उसके बाद क्या है कि 57.1% 57.1% क्या बढ़ती है जनसंख्या। अब देखो 16.2% का परसेंट सॉल्व करोगे, 1/6 इसका करोगे तो कितना आएगा, 3/8, और इसका आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4/7 हो जाएगा। अब देखो अगर जनसंख्या एक्स थी तो कितनी हो गई, जनसंख्या बढ़ी है 6 से कितनी हो गई, 7 गुना में जनसंख्या कितनी 8 थी, जनसंख्या 3, 8 और 3, 11 है, पर जनसंख्या कितनी थी 7, 4 बढ़ गई, 7 और 4, 11, ठीक है। उसके बाद कितनी बची, ठीक है, बराबर कितने के बराबर होगी ये बराबर हो जाएगी 165 बराबर, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 से काटो, 11 से काटेंगे तो कितनी बार, 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 बच गया 5। एक 37.5% का मतलब क्या होता है, 37.5 का, देखो 37.5 का परसेंटेज अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल का आएगा, देखो 37 दूनी 74, 75/2 और गुना में 100, 25 से 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 दूनी 8, ये भी सही है, ये 4/7 ये भी सही है। आगे देखो क्या होगा, 11 से 11 एकम 11 बच गया 5, 11 पंजे 55, कितनी 0, 1, 2, 3, 0, ठीक है। अरे ये गड़बड़ हो गई ना, ये एक मिनट श्रीमान जी, ये गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई कि अगर जनसंख्या कितनी है एक्स है, अगर जनसंख्या पहले पार्ट में क्या पहली साल बढ़ रही है 6 से कितनी हो रही है 7, दूसरी साल क्या घट रही है यानी 8 से कितनी हो रही है, घट के 3 तो 5। उसके बाद तीसरी साल क्या हो रही है कि 7 थी, 7 और 4 11, ये कितनी आपकी 165 डबल 0। अब 11 से काटो, ठीक है, 11 से काटोगे तो कितना बचेगा, 11 से 11 एकम 11, 11 पंजे 55 65, ठीक है, 15,000, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 5 से काटेंगे तो 5 3 15 कितना हो जाएगा 3,000, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 48 गुना में कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 4 12 और 2 14 कितना हो जाएगा 1,44,000, सॉरी 1,44,000 हो जाएगा। उसके बाद इसका शॉर्ट देखो, शॉर्ट क्या कहता है, शॉर्ट बिल्कुल आसान है, ठीक है, कैसे आसान है ये दिखाता हूँ आपको। शॉर्ट शॉर्ट में देखो क्या है, यानी जनसंख्या लिख दो आप, जनसंख्या क्या है कि पहले और क्या है अब, पहले और अब, यानी पहले देखो, पहले जनसंख्या 6 थी, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 7, पहले जनसंख्या 8 थी, 1 3 कम हो गई 5, पहले जनसंख्या कितनी थी 7, अब कितनी हो गई 11, ठीक है साहब, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 छींक कितना 48 और 11 पंजे 55, यानी अब जनसंख्या कितनी है 3 वर्ष बाद कितनी हो गई हमारी, कितनी 165 और 3 0, 1,65,000, 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 से 11 एकम 11, 11 पंजे 55, कितनी हो गई ये 15,000, 5 से काटोगे 5 3 15, यानी कितना हो गया 3,000, और यानी पहले जनसंख्या कितनी थी 48 यूनिट, 48 यूनिट को आप 3,000 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 1,44,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर, और यही क्या है उसकी जनसंख्या।